नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो बहुतायत में देश दुनिया में फैल रही है और छोटी उम्र से बच्चों को भी परेशान कर रही है। बात करेंगे डायबिटीज की, यानी मधुमेह की। डायबिटीज की बीमारी के पीछे कौन से ग्रह होते हैं और डायबिटीज की समस्या को ज्योतिष के माध्यम से कैसे नियंत्रण में लाया जाए, आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और साथ ही साथ आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे आपको सफलता का एक मंत्र सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 10 जून 2023 दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर के 2:01 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:39 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 10 जून 2023 दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। शुक्र और मंगल विद्यमान हैं कर्क राशि में। केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। चंद्रमा और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। बृहस्पति और राहु फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। सबसे पहले ये जानते हैं कि डायबिटीज के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, कब किसी व्यक्ति को डायबिटीज या मधुमेह होता है। देखिए, शरीर में विशेष रसायन इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। इंसुलिन एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है और जब ये शरीर में कम बनने लगता है तो डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन कम हो जाने से ग्लूकोज के पचने में मुश्किल होती है और इस वजह से डायबिटीज की संभावना बन जाती है। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा दोनों जल तत्व और रसायन के कारण होते हैं, तो डायबिटीज के पीछे शुक्र चंद्रमा की भूमिका होती है। बृहस्पति आंतों का और लीवर का स्वामी होता है। बृहस्पति शुक्र या चंद्रमा में से कोई एक भी ज्यादा कमजोर हो जाए या ज्यादा खराब हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है। हालांकि कारण अलग अलग होते हैं, बृहस्पति की वजह से एक्चुअली डायबिटीज होती है, शुक्र की वजह से अनुवांशिक कारणों से डायबिटीज होती है और चंद्रमा की वजह से तनाव के कारण डायबिटीज होती है। जब भी कुंडली में शुक्र कमजोर हो, अस्त हो या शत्रु राशि में हो तो शारीरिक कारणों से, खासतौर से अनुवांशिक वजहों से डायबिटीज हो जाती है। जब कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब हो तो तनाव के कारण डायबिटीज हो जाती है। जब बृहस्पति गड़बड़ हो तो एक्चुअली डायबिटीज होती है,
क्योंकि ये इंसुलिन में सबसे ज्यादा बाधा पैदा करता है, पेट की समस्याओं की वजह से डायबिटीज हो जाती है। शुक्र की दो राशियां हैं, तुला राशि और वृषभ राशि। अगर ये राशि कमजोर हो या चंद्रमा की राशि कर्क राशि कमजोर हो तो भी व्यक्ति को डायबिटीज जल्दी हो जाती है। यानी मुख्य रूप से अगर आप देखें तो बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, इन तीनों को देख करके आप ये जान सकते हैं कि व्यक्ति को डायबिटीज होगी या नहीं होगी। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ देंगे सफलता का एक विशेष मंत्र सक्सेस मंत्र में। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, इस समय किसी अतिथि का आगमन होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, सेहत में आपके सुधार होता दिख रहा है, करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं, पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम अभी आपके रुक सकते हैं, काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि और कौन से लक्षण हैं इन ग्रहों के अलावा जिनको देख करके हम ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति को डायबिटीज हो सकती है। देखिए, अगर हथेलियों का रंग कालेपन की तरफ जा रहा हो, ब्लैकिश हो रहा हो, तो ये डायबिटीज होने की सूचना हो सकती है। इस माध्यम से आप डायबिटीज को जान सकते हैं। अगर शुक्र के पर्वत पर रेखाओं का जाल हो, अंगूठे के नीचे शुक्र का पर्वत होता है, अगर उस पर रेखाओं का जाल हो तो भी डायबिटीज होने की संभावना बन सकती है। अगर चंद्रमा पर ढेर सारी छोटी छोटी लकीरें हों, आपके हाथ में जो चंद्रमा का पर्वत है, छोटी उंगली से नीचे बुध का पर्वत और उसके नीचे जो चंद्रमा का पर्वत है, अगर उस पर ढेर सारी छोटी छोटी लकीरें होंगी तो इसका मतलब यह है कि जीवन में तनाव बहुत ज्यादा होगा, और अगर इतना तनाव होगा तो डायबिटीज हो सकती है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश 24 घंटे में 10 मिनट भी नहीं आता तो आप ये मान करके चलिए कि आपके घर में बीमारियां होंगी और आपके घर में डायबिटीज की संभावना बनेगी। अगर घर में अनुपयोगी सामानों का ढेर लगा रहता हो, आप अपने घर में कूड़ा, कबाड़, पुरानी चीजें जिनका इस्तेमाल कभी नहीं करना है,
ऐसी तमाम चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं तो इससे आपका राहु एक्टिव होता है। और अगर आपका राहु एक्टिव होगा तो इस वजह से डायबिटीज होने की संभावना आपकी निश्चित रूप से बन जाएगी। डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या उपाय करें, और अगर डायबिटीज हो गई है तो उसे किन उपायों से कंट्रोल में रखें, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको पुनः याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे आपको सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। परिवार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम में जल्दबाजी ना करें। वाहन सावधानी से चलाएं। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर आप जप कर दें तो आपका दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब अगर आपकी कुंडली में डायबिटीज होने की संभावना है तो कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे डायबिटीज से बच सकें, जिससे डायबिटीज से बचाव हो सके। रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। सुबह स्नान करके जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय सूर्य देव को जल चढ़ाइए। जहां तक हो सके अपने घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिए, दही जरूर खाइए। और सफेद रंग का एक ओपल धारण करिए, ये आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ हीरा धारण करने से बचिए। अगर आपको डायबिटीज होने की संभावना है तो अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहनना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर आप योगासन करना जानते हैं तो धनुरासन का और पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करिएगा। इससे आप डायबिटीज होने से अपने आप को निश्चित रूप से बचा पाएंगे। तो अगर डायबिटीज होने की संभावना है तो किन उपायों से आप उसे बचा पाएंगे, ये हमने आपको बताया। अब बताते हैं कि अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो कौन से मंत्र का प्रयोग करें, कौन से उपाय करें जिससे आपको लाभ हो। रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। अब ऐसे स्थान पे बैठिए
जहां पर सूर्य की रोशनी आती हो। पहले 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा। इसके बाद शुक्र के मंत्र का 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और मंत्र जप करने के बाद 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और साथ में चिकित्सक की बात माने, डॉक्टर की सलाह माने, दवाइयां खाएं, तो निश्चित रूप से ये उपाय करने से दवाइयां ज्यादा बेहतर काम करेंगी और आप डायबिटीज को कंट्रोल में बनाए रख पाएंगे। आपको फिर से याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे आपको सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में आपके व्यस्तता बढ़ेगी, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, काम का दबाव आपका कम होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शांति और धैर्य बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां हैं तो उसे कैसे कम करें? दोनों भौं के बीच की जगह पर अंगुलियों से हल्का सा दबाव दें, हल्का सा 2-4 मिनट प्रेशर दें। इसके बाद वहां पर और कान की लौ पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा 1 महीने तक करें, चेहरे की झुर्रियां कम होंगी और चेहरा चमकदार होगा। चलिए अब जान लेते हैं 10 जून 2023 दिन शनिवार की सफलता का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो 10 जून 2023 को प्रातःकाल पीपल के वृक्ष में जल डाल करके अगर आप परिक्रमा सुबह के समय में कर लेते हैं, पूरा दिन आपका सफल होगा, दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।